5 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की इस पावन धरा में इस कथा का आनंद आप 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्राप्त कर पाएंगे। कल्याणेश्वर महादेव और कल्याण मित्र से संबंधित आज गुरुजी ने 4 विशेष उपाय बताए हैं जो कि आज से पहले कभी भी किसी कथा में नहीं बताए थे, जिन्हें आप पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में, लीवर किडनी में सूजन आने पर या फिर अटैक जैसी समस्या आने पर आप कर सकते हैं। ये उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। और कल है 6 अप्रैल और यह दिन सभी सनातनियों के लिए बहुत विशेष है क्योंकि यह हनुमान जी के प्राकोत्सव का दिन है। गुरु जी के बताए 2 विशेष उपाय जो आप इस दिन करके इस शुभ योग का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वे दोनों उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी उपाय नए हैं और उपयोगी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। वाणी और विचार के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, दुनिया में कितना भी दुख आ जाए, कितना बड़ा ही कोई आपको धोखा देके चला जाए, कितना ही बड़ा कोई आपसे छल कर ले, पर आपको कभी भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी वाणी और विचार में काबू ही रखना है। अपनी वाणी से कुछ भी नहीं बोल देना है। अगर आपने उस समय अपनी वाणी में काबू कर लिया, आप मौन रह गए, तो आपको उस समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसे स्वयं जवाब देवाधिदेव महादेव देते हैं। बस आपको मौन रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, जल से स्नान करा रहे हो, अभिषेक करा रहे हो, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आप जब जल चढ़ाते हो तो जल की जो धार होती है वह धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। एक छोटी पतली सी धार होनी चाहिए जिससे आप धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक लोटा जल एकदम से शिवलिंग के ऊपर उड़ेल दिया। इस प्रकार से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय आपके लोटे का, आपके जल कलश का स्पर्श शिवलिंग से नहीं होना चाहिए। मतलब आपका लोटा शिवलिंग से कभी भी नहीं टकराना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी 2017 से परेशान थे क्योंकि मेरे छोटे बेटे के सर में ट्यूमर हो गया था। 2 बार सर्जरी करवाई पर उसे आराम नहीं लगा। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने 3 बार और सर्जरी कर दी। 5 बार सर्जरी कराने के बाद भी फिर से गांठ हो गई और जाँच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि अब यह कैंसर की गांठ है। एक बेटा जिसके पेट में पथरी है, दूसरे को कैंसर हो गया। वो पति भी रात को सोते सोते सांस अटकने की समस्या थी। फिर मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया कि तुम शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आती है उसे टीवी में सुनना शुरू करो। तो मैंने ऐसा ही किया और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व समझा और काशी की कथा जो थी वह कथा मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वो कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनकर मैंने एक मनोकामना की कि मेरे बेटे का कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए। बाबा ऐसी कृपा करें। और बाबा ने मेरी सुन ली है। मेरे बेटे का कैंसर ठीक हो चुका है और बड़े बेटे को भी पथरी में आराम है। अब बस मेरे पति ठीक हो जाएं, वही प्रार्थना करती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी जानकारी की ओर। पिंकी जी इटारसी से पत्र लेकर आएँ जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा फौज की नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। कई वर्षों से प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। कभी दौड़ में रह जाता था, कभी किसी चीज़ में रह जाता था, कभी 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने आपकी श्रावण मास की स्वयं महापुराण कथा सुनी जिसमें आपने एक पत्र पढ़ा था। उस पत्र को सुनकर मैंने उसी पत्र में बताए गए उपायों को, नियमों को अपनाया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरे बेटे को रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहती। वह रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, उसका फौज में सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सृष्टि सिसोदिया जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, पत्र में उन्होंने बड़े ही अच्छे मनोभाव से लिखा, गुरुजी आप कथा पंडाल में आए लोगों से एक बार जरूर कहें कि उज्जैन के लोगों को भी बैठने की जगह दो। यह सुनकर गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी ने कहा, पूरा पंडाल सभी शिवभक्तों के लिए है। इसके बाद सृष्टि जी ने लिखा, इस कथा पंडाल में लाखों लोग आए हैं और जिनसे भी मैं मिलती हूँ ऐसा लगता है देवाधिदेव महादेव से मिल रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ी बीमारी चल रही हो तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है मास्क और दूसरा है रुद्राक्ष या तुलसी की माला। मुख में मास्क लगा हो जिससे आपका शरीर बच सकता है। उस शरीर में आपका एक रुद्राक्ष का मनका भी है या फिर तुलसी की माला है तो इससे सनातन धर्म बच सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। एक व्यक्ति पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरी धर्मपत्नी पिछले 6 वर्षों से एग्जाम दे रही थी, पर वह 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरे रिश्तेदारों ने शिव महापरायण कथा को टीवी में सुनने को कहा और यह भी कहा कि गुरुजी कभी कभी कुछ उपाय बताते हैं, वह भी करो। तो मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी पत्नी का अध्यापिका के पद में सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 जगह आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। पहली जगह है रोग होने पर आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। दूसरा, दुख आने पर परेशानी से कैसे बाहर निकलें, ऐसी जगह पर भी आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है। और तीसरा है वस्त्र का चयन करते समय भी आपको अच्छे सलाहकार की आवश्यकता होती है, जो आपको फटे चिथड़े कपड़े पहनने से बचा सके, रोक सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कल्याण मित्र वाला विशेष उपाय। गुरुजी ने आज एक नया उपाय बताया है। अगर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, किसी को अटैक आ गया हो, पसीना छूट गया हो, हाथ पांव काम करना बंद कर दिए हो, एम्बुलेंस आने वाली हो, या फिर बिजली गिर रही हो और आपको ऐसा लग रहा है बिजली आपके ऊपर ना गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आप कल्याण मित्र ऐसे 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार बोलना है। मतलब आपको कल्याण मित्र का स्मरण करना है 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार। इसके बाद आपको एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप 1 बार से अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। अर्थात आज की कथा में गुरुजी ने संकट की स्थिति पर यह विशेष उपाय करने को कहा है, जिससे आपको एक बार जो बड़ी समस्या आने वाली है, जो बड़ी विपत्ति आई है, वह निकल जाती है। मतलब यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके सामने विपत्ति आ जाए उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। आज की कथा में कल्याण मित्र का संवाद आने पर गुरुजी ने यह नए उपाय की जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई जगह कल्याण मित्र के साथ साथ कल्याणेश्वर महादेव का भी जिक्र मिलता है। कल्याणेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, जो कि इस प्रकार है। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिन्हें लीवर किडनी की तकलीफ रहती हो, समस्या चल रही हो, परेशानी चल रही हो, बीमारी चल रही हो, डायलिसिस चल रहा हो, लीवर किडनी में सूजन चल रही हो, या फिर पेट संबंधित समस्या चल रही हो, खाना नहीं पचता हो, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना है, सारा इलाज करवाना है, डायलिसिस भी करवाना है, सब करवाना है, जो डॉक्टर आपको कहता है वह सब करवाना है। पर दवाई के साथ साथ उस समय आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना शुरू करना है। और इसके बाद जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है, तो गुरुजी ने कहा है उस जल का आप अगर 2 बूंद भी प्राप्त कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, तो आपको आपके रोग में आराम देखने को मिलता है, आपकी बीमारी रुक जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। कोई अपना प्लॉट, जमीन या घर में किराए से रहता हो और उसके बाद उसने उसमें कब्जा कर लिया हो, कोर्ट केस चल रहा हो, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सफ़ेद पुष्प की 108 पत्तियां या फिर अक्षत के 108 मतलब चावल के 108 दाने लेकर शिवालय जाना है। अब कब जाना है वह भी समझ लीजिए। आपको 108 चावल के दाने या फिर कोई भी सफ़ेद पुष्प की 108 पत्तियां पंखुड़ियां लेकर जाना है। आप चावल के दाने ले जाएं, क्योंकि वह सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो 108 चावल के दाने लेकर आपको शिवालय शाम के समय प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय रहता है। तो इस समय आपको प्रदोष काल में जाकर यह सभी चीज़ें कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। क्या नाम लेते हुए? कल्याणेश्वर महादेव। इसके बाद बाबा से निवेदन करना है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको ही आगे संभालना है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद 108 में से 107 दाने आपको उठाकर वापस ले आना है, कोई कागज़ की पोटली में बनाकर आपको उस अपने घर में, उस प्लॉट में रख देना है। बस इतना ही करना है। कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है, या फिर वह व्यक्ति आपका स्वयं घर या प्लॉट जिसमें भी कब्जा किया है वह छोड़कर चला जाता है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 6 अप्रैल को है हनुमान प्राकटोत्सव और इस पावन दिन में आपको गतिमान हनुमान वाला उपाय करना है। यह उपाय की जानकारी देने से पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। आपका व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव होता हो, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, हानि होती रहती हो, मतलब लाभ बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको हनुमान प्राकटोत्सव के दिन हनुमान मंदिर में जाकर पंडित जी से बोलकर हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर प्राप्त कर लेना है। आप कोई कागज़ में प्राप्त कर लीजिए और इस सिंदूर को आपको अपने व्यापार वाले स्थान में जाकर इस सिंदूर से एक
स्वास्तिक का निर्माण करना है और स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको गतिमान हनुमान का नाम लेना है। इस प्रकार से स्वास्तिक बना देने से वह व्यापार कभी भी नीचे नहीं आ सकता, वह व्यापार दिन दुना रात चौगुना आगे ही बढ़ता चला जाता है। और हनुमान प्राकोत्सव जैसे शुभ दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। हनुमान प्राकोत्सव 6 अप्रैल को है और इस शुभ दिन गुरु जी के बताए एक विशेष उपाय कर सकते हैं आप। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनके वैवाहिक जीवन में मधुरता की कमी हो, लड़ाइयाँ चलती हों और बात तलाक तक पहुँच रही हो, तो आपको 6 अप्रैल को हनुमान मंदिर में जाकर एक ध्वजा लगवानी है। इस ध्वजा में आपको गतिमान हनुमान का नाम लेते हुए एक स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद ध्वजा लगवा दीजिए। बस इतना कर देने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। आज की कथा बहुत सारे उपायों से भरी हुई थी, उपायों से भरपूर थी और काफ़ी आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। और उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।